नमस्कार सभी को। स्टोरीज विद मैसेजेस के एक और सेशन में आप सभी का पुनः स्वागत। फर्स्ट पार्ट में हमने लास्ट में कंप्यूटर साइंस के जो एमसीक्यू बेस्ड बेसिकली वो सिलेबस चेंज हुआ है और जो बोर्ड एग्जाम आने वाला है नवंबर में, तो उसमें रिजल्ट कैसे आएंगे तो चैप्टर वाइज पेज वाइज वो मैं कवर करूँगा। फर्स्ट पार्ट में कर लिया, सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट जो है उसका हेडिंग है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन और पेज नंबर 9 तक का लेवल दिया गया है। ठीक है, 8 तक हमने कर दिया, वो पार्ट 1 में आप देख लीजिए। तो जो एमसीक्यू है उसके सबसे पहला है जो सिटीज है पार्टीशन के टाइम पर वो कॉमनल जोन्स में डिवाइड हो गए, जैसे कि कम्युनिटी के आधार पर मुस्लिम्स अलग हो गए, सिख्स अलग हो गए और हिंदूज अलग हो गया। तो वो जो कॉमनल जोन्स बने हैं सबसे पहला एमसीक्यू में वो होगा लाहौर, अमृतसर और कैलकटा। या तो ये रैंडम मैच से पूछेगा या डायरेक्ट पूछ सकता है कि कौन सा थीम या दो कॉमन जोन्स हैं। कोई और नाम दे के पूछ सकते हैं कि विच वन इज नॉट करेक्ट या अप्रोप्रिएट ऑप्शन कौन सा है। ये है एमसीक्यू। नेक्स्ट है कि पीपल स्टेट एट विच ये रेफ्यूजी कैंप्स में रहे थे लोग उनके लिए स्पेशली बनाया गया था, जो कि आज का हम तालिबान का हाल देख सकते हैं, इतना दर्दनाक शायद ना हो बट था। नेक्स्ट है वुमेन वर अबडक्टेड तरीके से, किडनैपिंग हुई थी, रेप किया गया एंड वर मेड टू कन्वर्ट, इवन कोशिश करी गई कि उनका धर्म परिवर्तन किया जाए उस आदमी के साथ जिसके साथ उसको उसने किडनैप किया उसको या फिर उसके साथ वो रह। आप गदर का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जो अमीषा पटेल रहने के साथ में शहीद हो गए तो पूरा गाँव अपने दिमाग से उठा गया कि ये मुसलमान की चोरी है या तो इसको हमारे हवाले कर दो और नहीं तो अपने हाथों सुना। तो जो मिस्टर तारा सिंह होते हैं वो उनसे शादी करते हैं, तो अब वो क्या हो जाती है कन्वर्ट। ठीक है, नेक्स्ट, इस वजह से खान की बहुत सारी अपने ही बच्चों को मार दे देती है बिकॉज ऑफ फैमिली ऑनर करना। गजर की जो इज्जत है वो लड़कियों से बहुओं से बहनी से अटैच होती है, तो उसको बचाने के लिए जो फीलिंग होती है उसको फैमिली ऑनर फीलिंग कहते हैं। तो बहुत सारे माँ बाप ने अपने ही बच्चों को मार दिया ताकि वो किसी और साथ या तो उनका रिलीजन कन्वर्ट ना हो या रेप का शिकार ना हो या किडनैपिंग ना हो जाए। नेक्स्ट है जो राइटर्स पोएट्स और फिल्म मेकर्स जो इस तरफ थे, दो तरफ गए और उस तरफ के इस तरफ आए, उन सब ने पार्टीशन को एक ही नाम दिया था, डिविजन ऑफ पार्ट्स। एक और एमसीक्यू, डिविजन ऑफ पार्ट्स किसने बोला है, राइटर्स पोएट्स और फिल्म मेकर्स दोनों साइड थे। नेक्स्ट, हॉस्पिटैलिटी डेट, ये कथा के दोनों सादत हसन मंटून लिखा है, इनकी जो फिल्म है बहुत शॉर्ट फिल्म तरीके से है, नवाज साहब ने रोल किया है, वो आप बोल देखें उससे बहुत कुछ देखने को मिलेगा और ये बहुत बढ़िया तरीके से लिखा है। नाम याद रखना सादत हसन मंटून, क्या लिखा है हॉस्पिटैलिटी डेट, ये देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है बट ये है वो कि जो ट्रेन आ रही है उसमें से लाशें आ रही है, तो जो लाशें आ रही हैं तो उन्होंने उस पर लिखा है कि घायल हुए हैं। आपके लिए तरीके से जो गिफ्ट भेजा है या जो आप रिसीव कर रहे हैं वो डिले के लिए सॉरी और ये हमारी हॉस्पिटैलिटी, ऐसा उनका मानना था। काफ़ी मतलब जिस तरीके से हाजिर जवाबी थे, कुछ भी किसी को भी बोल सकते। 80 लाख अगर ऑप्शन आ सकता है कि कितने लोग हैं जो माइग्रेट हुए, दोनों को मिला के 80 लाख लोगों का माइग्रेशन हुआ। नेक्स्ट है 12% मुस्लिम्स आफ्टर पार्टीशन इंडिया में रह गए, तो परसेंटेज कितना है 12%, ये एमसीक्यू पूछ सकता है। हॉस्पिटैलिटी किसने लिखा है ये पूछ सकता है। लास्ट है, इसमें मूवी बनी है सबसे पहली वो है गरम हवा, इंडिया में बनी है, एमसीक्यू पूछ सकता है गरम हवा किस किस चीज पे मूवी है, तो बेसिकली उसमें पार्टीशन का विजिट किया गया। नेक्स्ट है पेज नंबर 12-13, महात्मा गांधी सेक्रीफाइस, 15 अगस्त 1947, बेसिकली जब सब दर्शन मना रहे थे इंडिपेंडेंस डे का, गांधी जी डिड नॉट पार्टिसिपेट। ठीक है, नहीं उनको कोई दिक्कत नहीं थी, वो जो पार्टीशन की वजह से कैलकटा में हिंदू मुस्लिम राइट्स हो रहे थे उनको शांत कराने के लिए गए थे बट फेल हो गए। सबसे पहला एमसीक्यू जो है
पूछेगा कि महात्मा गांधी पार्टिसिपेटेड इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन? नो, व्हाई? कलकत्ता में रहते हैं इसलिए, क्योंकि वहाँ राइट्स हो गए हिंदूज और मुस्लिम के बीच, उसको सॉर्ट आउट करने गए थे। ठीक है, तो ये दूसरा इंस्टीट्यूट कहाँ थे? कलकत्ता। क्यों? क्योंकि हिंदूज और मुस्लिम के बीच में राइट्स हो गए। ही वॉज इन डेली, उसके बाद उनका डेली आना हुआ और थोड़े से नाखुश थे वो डिसीजन से। कौन सा डिसीजन? कि पाकिस्तान को, इंडिया को कुछ फाइनेंशियल कमिटमेंट्स उनके देने थे और जो कि पूरे नहीं किए थे उन्होंने, इस वजह से भी और ऑल ओवर इंडिया में राइट्स हो रहे, उस वजह से भी वेंट फॉर हिज लास्ट पास्ट। पास्टिंग उनका बहुत बड़ा हथियार था, जो कि उन्होंने लास्ट लास्ट में थोड़ा सा डिस्कस किया। जैन 1948 लास्ट पास्ट कब हुआ है एमसीक्यू गांधी जी का? जैन 1948 रिजल्टेड चमत्कार हुआ, जो चमत्कार चमत्कार अभी लग रहे हैं। दो चीजें दोनों पूरी हो गई, पहला तो कैलकटा में जो राइट्स हो रहे थे वो शांत हो, दूसरा गवर्नमेंट ने पे किया जो कि ड्यूज थे पाकिस्तान को, कौन से फाइनेंशियल कमिटमेंट जो पहले किए गए होंगे। नेक्स्ट 30 जनवरी अगेन एक और एमसीक्यू, 30 जनवरी 1948 नाथुराम विनायक गोडसे क्या किया? 3 बुलेट्स फायर की जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई इंस्टेंट की। ठीक है, कहाँ पे? न्यू दिल्ली, मतलब दिल्ली में ही होगी। तो दो एमसीक्यू हो गए, कहाँ पे? दिल्ली में। क्या 30 जनवरी 1948 नाथुराम विनायक गोडसे फायर 3 बुलेट्स, सूखा सा का इंसान तो 3 बुलेट्स नहीं मिल पाया, बट फिर भी आज भी जिंदा है वो किसी न किसी फॉर्म में। मिरेकल हैपेंड, उनकी मौत से हुआ क्या? जितनी भी कॉमन टेंशन थी हिंदू मुस्लिम के बीच में ऑल ओवर इंडिया सब हो गए, क्योंकि आदमी में खास बात होती है सब में, एक तुम्हारा कोई जानने वाला है, अब तुम्हारा दुश्मन हो गया, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे हस्बैंड हो, चाहे वाइफ हो, चाहे कोई भी हो, भले ही गर्लफ्रेंड भी ना सही जिससे तुम्हारी शादी ना हो पाए, पर जैसे ही तुम उसकी मौत की खबर सुनोगे जितने भी गिले चुके हैं सब हो जाते हैं ऑन द स्पॉट, क्योंकि जिंदगी में सिर्फ तकलीफें उनसे होती है जिनकी सांस चली होती है, डेड बॉडी से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनकी मौत का चमत्कार हुआ, एक तरीके से उनका सेक्रीफाइस कुर्बानी है, सब कुछ शांत हो गया एक उनके लिए उनकी वजह से। राष्ट्र स्वयं सेवक संघ एक ऑर्गेनाइजेशन है जिससे नाथुराम विनायक गोडसे से बिलोंग करते हैं, तो ये ऐसे भी पूछ सकते हैं, इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है आरएसएस का। तो ये जो भाई साहब है इस ग्रुप को बिलोंग करते थे, इसको बैन कर दिया गया कुछ टाइम के लिए, क्योंकि इन्होंने एसोसिएशन किया था गांधी जी बॉस पर स्टार्ट करना। अब नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 14। सो ब्रिटिश इंडिया डिवाइडेड था दो प्रोवेंसेस या दो एरियाज बेसिकली, ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस जिसको डायरेक्ट कंट्रोल था ब्रिटिशर्स का और प्रिंसली स्टेट्स जहाँ पे हमारे राजा या राजकुमार सकते थे, इनके ऊपर भी कंट्रोल था पर डायरेक्ट कंट्रोल थे। प्रिंसली स्टेट्स इंजॉयड सम कंट्रोल आफ्टर दे एक्सेप्ट ब्रिटिश सुजरेनिटी या सोवरेनिटी, मतलब तुम राजा रहोगे अपने इलाके वालों के लिए तो तुम्हारे ऊपर राजा कौन है? ब्रिटिश का। ठीक है, पहला इंस्टीट्यूट ब्रिटिश इंडिया कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, दूसरा ब्रिटिश सोसाइटी अगर एक्सेप्ट करते हैं तभी प्रिंसली स्टेट्स में राजा बने रह सकते हैं, नहीं तो पॉसिबल नहीं है। अब दैट 1/3 एरिया पूरे हिंदुस्तान का एक तिहाई भाग में प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे राजा महाराजा, तो छोटे मोटे राजा महाराजा थे, तो ये 1/3 एमसीक्यू। जस्ट बिफोर इंडिपेंडेंस का बवाल क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स जब जाने लगे थे तो उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि ये लोग अब क्योंकि हम जा रहे हैं तो ब्रिटिश क्राउन अब इनके ऊपर हाथ नहीं रख सकता, ये इंडिपेंडेंट है तो ये इंडिपेंडेंट है, ज्वाइन कर सकते हैं इंडिया या पाकिस्तान या तो अपना खुद का राज्य वापस जो मिडिवल टाइम पे होता था मुगल के टाइम पे या उसके आने से पहले। टोटल नंबर ऑफ प्रिंसली स्टेट्स कितनी था? 565 मतलब एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस 565 प्रिंसली स्टेट्स थी। एमसीक्यू लास्ट, किसने किसने नॉमिनेट करना चालू कर दिया, किसने किसने मना कर दिया इंडिपेंडेंट होने के लिए? ओ
हमारे साथ जुड़ने के लिए, इंडिया यूनाइटेड होने के लिए। पहला गूगल ऑफ ट्रेवनपुर, दूसरा निजाम ऑफ हैदराबाद और तीसरा नवाब ऑफ भोपाल। इन्होंने क्या किया, मना कर दिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, जिसमें आर्गूमेंट होने वाले डिस्कशन होने वाला था, उसको ज्वाइन करने से मना कर दिया। तो ये तीन लोग हैं और इसी ऑर्डर में धीरे धीरे चीज़ें बढ़ती जाएंगी। तो पहला है गूगल ऑफ ट्रेवनपुर, अगला है निजाम ऑफ हैदराबाद, फिर है नवाब ऑफ भोपाल, जो नवाब ऑफ भोपाल का इंसिक करा सकता है नील दुलर या फिर किंग हु एवर टू ज्वाइन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भोपाल। ठीक है, अब लास्ट पार्ट में देखेंगे कि जो क्या कहते हैं रूलर ऑफ ट्रेवनपुर है, निजाम ऑफ हैदराबाद है, ये किस वजह से इंडिया के साथ जुड़े हैं।